हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों चरणामृत को पीने के बाद हाथ सिर पर पोंछ लिया जाता है। क्या आप भी चरणामृत पीने के बाद लगाते हैं सिर पर हाथ? तो जानिए इस वीडियो में इसका आध्यात्मिक रहस्य। सनातन धर्म में पंचामृत या चरणामृत को अधिक महत्व दिया जाता है। जिस तरह से मंदिर का प्रसाद ग्रहण करना शुभ आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार की चरणामृत का सेवन करना भी अति आवश्यक माना जाता है। यही कारण है कि मंदिर में प्रसाद से पहले चरणामृत दिया जाता है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि चरणामृत और पंचामृत में अंतर क्या होता है। लगभग सभी मंदिरों में चरणामृत तो मिलेगा, परंतु पंचामृत बहुत ही कम धार्मिक स्थलों पर दिया जाता है। खासतौर पर पंचामृत का इस्तेमाल विशेष तीज त्यौहार पर किया जाता है। हालांकि देश में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां प्रतिदिन भी पंचामृत का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ चरणामृत से जुड़ी खास बातें। अक्सर देखा जाता है कि जब भी लोग चरणामृत ग्रहण करते हैं तो उसके बाद अपने सर पर हाथ सहलाते हैं। परंतु अगर शास्त्रीय मत की माने तो ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि कहा जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धापूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत पान करने से व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है, वो गुणकारी हो जाता है, क्योंकि तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल जिसे चरणामृत कहा जाता है से जातक के सभी तरह के पापों का नाश होता है। यह औषधि के समान माना जाता है, जिसका सेवन करने से व्यक्ति को पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चरणामृत के जल को नियमित रूप से ग्रहण करने से कोई भयानक रोग जातक को नहीं जकड़ता। चरणामृत में मिलाए जाने वाले तुलसी के पत्ते को एक एंटीबायोटिक मेडिसिन माना जाता है, जिसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा सभी बीमारियों का नाश हो जाता है। दोस्तों शास्त्र ऐसा कहता है कि जो भी व्यक्ति चरणामृत का पान करके अपने हाथ में बचा कुचा जूठा चरणामृत अपने सिर पर मल लेता है, उसकी सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उसके सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चरणामृत का पान करके उसके बाद अपने सिर पर हाथ नहीं मलना चाहिए। और वहीं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप चरणामृत लें, तब चरणामृत लेने से पहले अपने हाथ के नीचे एक वस्त्र जरूर लगा लें, क्योंकि आपने सभी पुराने साधु संतों को ज्ञान महात्माओं को देखा होगा कि जब भी वो चरणामृत लेते हैं तो अपने हाथ के नीचे दोनों हाथ के नीचे कपड़ा जरूर लगा लेते हैं। यदि आप महिला हैं तो अपने दोनों हाथ के नीचे पल्लू लगाकर तभी चरणामृत का पान करें। अगर पुरुष हैं तो अपना वस्त्र कोई भी लगाकर तभी चरणामृत का पान करें। तो ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसी किंवदंती है, ऐसे साधुओं का कहना है कि चरणामृत की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि के चरणों की चरणामृत की एक बूंद भी यदि जमीन पर गिर जाती है तो उस बूंद का पान करने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी अपनी जिह्वा से यानी अपनी जीभ से उस गिरी हुए चरणामृत की बूंद को चाटते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो दोस्तों जब भी आप चरणामृत लें तो अपने दोनों हाथ के नीचे कोई वस्त्र जरूर लगा।